दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, इसकी लड़ाई कोर्ट तक जा चुकी है और अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई के लिए कोर्ट ने हामी भर दी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भरते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के लिए हाँ बोल दिया है। लेकिन इस याचिका खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। वो निचली अदालत की जो चीजें, जो फैसले लिए गए हैं, उससे संतुष्ट नजर नहीं आए और इस याचिका को सुनने के लिए कोर्ट की तरफ से हामी भरने के बाद से ही मुस्लिम पक्ष ने कड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी का जो ज्ञानवापी मामला है, श्रृंगार गौरी का जो मामला है, जो केस चर्चा में है, उसको लेकर वाराणसी की कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991 को दरकिनार करते हुए श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद केस को सुनवाई के योग्य मान लिया है। मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम पक्षों ने न्यायालय के इस फैसले को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है। पहले ही उन्होंने इस बात को लेकर असंतोष जताया और कहा कि इनके साथ न्याय नहीं हुआ। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष खुलकर सामने आ गया है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अगुवाई करने वाली संस्था यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी भी खुलकर सामने आ गई है। मसाजिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल वातीन नोमानी ने आज तक से खास बातचीत करते हुए कहा कि मस्जिद या कम्युनिटी के खिलाफ हर एक्शन का रिएक्शन कानून के दायरे में रहकर ही दिया जाएगा। उन्होंने कोर्ट के फैसले को बहुत ही तकलीफ देह फैसला बताया और कहा कि ये बहुत ही निराशाजनक फैसला है और कहा कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, जहां पर उनको उम्मीद है कि उनके हक की बात होगी, उनको हक मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा, मुस्लिम समुदाय को न्याय मिलेगा। दोस्तों, मौलाना अब्दुल वातीन नोमानी ने इस मामले में फैसले को लेकर रिटायर्ड जज से लेकर बड़े बड़े वकील तक सभी यही कह रहे हैं कि याचिका सुनने लायक ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी जज ने इस तरह का फैसला आखिर कैसे ले लिया, आखिर जज की तरफ से इस तरह का फैसला क्यों लिया गया। ये बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जो रिटायर्ड जज है, वो ये सब बातें कह रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल बातीन नोमानी ने आगे ये भी कहा कि इसका पता जजमेंट की कॉपी आने के बाद उसके अध्ययन से ही चल सकेगा और फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंसाफ पसंद संगठन जो चाहते हैं कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए और कानून नाम की चीज होती है, उन सभी को इस फैसले पर आपत्ति है। जो भी इस फैसले को एक बार में सुने हैं, उनकी तरफ से यही रिएक्शन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कोर्ट का जो फैसला है उसे कानून के दायरे में ही रखकर देखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अभी फैसले की कॉपी उनके पास नहीं आई है, जिसे पता चल सके कि वर्कशिप एक्ट को ध्यान में रखकर ये फैसला लिखा गया है कि वैसे ही लिख दिया गया है कि हाँ साइन कर दिया और इस तरीके की कार्रवाई को, इस तरह की चीजों को सुनने के लिए हामी भर दिया गया है। मौलाना अब्दुल वातीन नोमानी ने कहा कि इस एक्ट के आगे ये याचिका ना तो लेने लायक थी और ना ही ये मुकदमा चलने लायक थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये फैसला किया गया और आ गया कि ये मुकदमा चलने लायक है और इसे सुनने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि वाराणसी की संस्कृति और अमन में किसी तरह का फर्क आए, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मसाजिद कमेटी के ही वकील मिराजुद्दीन सिद्दीकी की ओर से आए उस पर भी मौलाना बयान जो है मिराजुद्दीन सिद्दीकी की ओर से आए गए उस बयान पर भी मौलाना अब्दुल वातीन नोमानी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सभी बिक गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने ना तो उनका बयान सुना है और ना ही हम अंदर की बात जानते हैं कि कौन बिका हुआ है और कौन खरीदा गया है। जब तक कोई सबूत ना मिल जाए, वो इस पर कोई बे टिप्पणी करने से बचेंगे। वहीं दोस्तों, जब ज्ञानवापी मस्जिद का जो फैसला आया, मंदिर का फैसला आया, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दिया और कहा कि वाराणसी कोर्ट के आदेश ने हिंदू चरमपंथियों का रास्ता जो है वो बिल्कुल आसान कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू महिलाओं के लिए पूजा के अधिकार की मांग करने वाले मुकदमे पर सुनवाई से कट्टरपंथी संगठन दिक्कतें बढ़ाएंगे और वो किस तरह की दिक्कतें बढ़ाएंगे आप सभी को पता है और किस तरह की चीजें उनकी तरफ से की जाएगी ये आप सभी को पता है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि ये देश में उग्रवाद को मजबूत करेगा और हिंसा और संघर्ष का कारण बनेगा। अदालत के आदेश को
और आगे ये भी कहा कि अदालत के आदेश को निराशाजनक और दुखद बताते हुए बोर्ड ने सरकार से पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को सही भावना से लागू करने का आग्रह किया, ताकि ऐसे स्थिति को रोका जा सके और अल्पसंख्यकों का न्यायिक प्रणाली में विश्वास बना रहे। क्योंकि जिस तरह से मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को उखाड़ने की बात की जा रही है, मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे मुसलमानों का कानून के ऊपर से जो है भरोसा उठ रहा है। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, उन्होंने वाराणसी में ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया है, ऐसे लोग देश की एकता के बारे में चिंतित नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि स्थानीय जज ने 1991 के कानून की अनदेखी करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। उन्होंने 1991 एक्ट को भी नहीं पढ़ा, सीधे तौर पर उन्होंने हामी भर दिया। इससे हिंदू चरमपंथियों का रास्ता आसान बनेगा। सरकार को 1991 के कानून को सही भावना से लागू करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पक्ष इससे बंधे हों, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो सके और आगे ऐसी कोई भी जो एक्शन लेने की बात कही जाए उस पर फुल स्टॉप लगे। अंजुमन इस्लामिया मसाजिद कमेटी ने भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिका को चुनौती दी थी। दोस्तों, ज्ञानवापी विवाद मामले में जिला जज एके विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 सितम्बर की तारीख तय मुकर्रर की है। उन्होंने इस पूरे मामले पर 22 सितंबर को सुनने के लिए अपनी हामी भरी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसला आने के बाद बताया कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा चलने योग्य है नहीं। जैन ने आगे ये भी कहा कि यह हिंदू समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इस जीत का जश्न जो है हिंदू समुदाय के कुछ संगठनों के द्वारा जो है सोशल मीडिया पर मनाते हुआ भी नजर आया है। दोस्तों, ये ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक ट्वीट में कहा था कि करवट लेते मथुरा काशी यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक ने भी वाराणसी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की थी, जबकि ऐसे मामले में सरकार से तत्सत्यता की उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। याचिका 5 महिलाओं ने दाखिल की थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा यानी कि रोजाना पूजा की अनुमति मांगी गई थी इस मस्जिद के अंदर, जिनकी मूर्ति ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी दीवार पर स्थित है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। इस पर फैसले सुनवाई होने के बाद जो लिए कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया गया, उसके बाद से ही एक मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो हिंदू संगठनों के द्वारा जो दाखिल किया गया याचिका था और उसको लेकर किस तरह की जश्न वाली तस्वीरें दिखाई दी, ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि क्या ये सब कुछ पहले से सोची समझी साजिश थी, क्या सब कुछ प्लान किया हुआ था, क्या ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी। क्योंकि जिस तरह से जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था विधानसभा का, तो डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य है, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ संकेत दिए थे कि अयोध्या की तैयारी है और अयोध्या काशी की तैयारी है और मथुरा जो है अभी बाकी है। तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो इससे पहले आ चुकी है, जब कोर्ट में ये मामला तूल पकड़ा नहीं था, जब ये मामला शांत था, जब हाई कोर्ट ने इस मामले को शांत कर दिया था, याचिका खारिज कर दिया था, तब इस मामले को लेकर जो है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बयान आता है। और उस बयान में क्या सच्चाई है वो आपके सामने है, क्योंकि अब जो ज्ञानवापी मस्जिद की जो बात है जो कोर्ट तक जा पहुंची और कोर्ट ने क्या फैसला लिया है वो आप सबके सामने है। लेकिन इससे मुस्लिम समुदाय जो है मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और न्याय प्रणाली के ऊपर जो है अपना विश्वास जगमगाता हुआ बता रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।